विगत दिनों ताज के दीदार से रोके जाने से खफा हुए अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ताज महल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एएसआई और आगरा प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। आचार्य परमहंस ने वीडियो जारी कर बयान दिया है कि वे 5 मई को एएसआई अधीक्षक के आमंत्रण पर ताज दीदार के लिए आ रहे हैं, जहां तेजो महल में प्रवेश कर शिव आराधना करेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विगत दिनों ताज दीदार से रोके जाने से खफा हुए अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ताजमहल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एएसआई और आगरा प्रशासन की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। आचार्य परमहंस ने वीडियो जारी कर बयान दिया है कि वे 5 मई को एएसआई अधीक्षण के आमंत्रण पर ताज दीदार के लिए आ रहे हैं। यानी आचार्य परमहंस के मुताबिक वे तेजो महालय में प्रवेश कर वहां शिव आराधना करने आ रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में ब्रह्मदंड भी था। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने संत जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके बाद मामला गर्मा गया और हिंदूवादी संगठनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं अब आचार्य परमहंस ने एक सनसनीखेज वीडियो जारी कर बयान दिया है कि वे 5 मई को एएसआई अधीक्षण के आमंत्रण पर आगरा आ रहे हैं, जहां तेजो महालय में भगवान शिव की आराधना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस बयान के बाद आगरा प्रशासन और एएसआई विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। मैं आगरा के तेजो महालय, जिसको मुगलों ने ताज महल कहना शुरू किया, गलत इतिहास बताया गया, वो भगवान शिव का मंदिर है। जैसे ही मैं पहुंचा तो वहां के लोगों ने कहा कि आप भगवा पहने हैं इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं, और मैं रिटर्न चले आया। इसके बाद जब वहां विरोध शुरू हो गया तो वहां के जो एएसआई आरके पटेल हैं, उन्होंने हमसे क्षमा मांगा है और मुझे पुनः इन्वाइट किया है। तो मैं 5 मई को तेजो महालय के पश्चिमी गेट 10 बजे पहुंच रहा हूं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, साधु संत, धर्माचार, हिंदूवादी संगठन, हिंदू भाई बहन, अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग पहुंचिए और 5 मई को आगरा के तेजो महालय में भगवान शिव की मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और वहां भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद भी करूंगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।